Hello students, in this video we continue the 7th chapter of It So Happened class 8, the open window. In the first part you read out the cleverness of a girl Vera, कैसे वो मिस्टर फ्रैम्पटन को जो है एक स्टोरी बताती है कि मेरी आंटी जो हैं वो स्ट्रेस में हैं क्योंकि उनके हस्बैंड और जो ब्रदर्स हैं वो गए थे हंटिंग के लिए और वो लौटे नहीं, और इस एपिसोड को कर 3 साल हो चुके हैं। तो आगे देखते हैं, मिसेस पेल्टन कम्स डाउन एट लास्ट। अब बातें चल रही थी तभी मिसेस पेल्टन भी नीचे आ गई एंड इनएडवर्टेंटली कन्फर्म्स हर नाइस स्टोरी। इनएडवर्टेंटली मीन्स अनजाने में वो इस बात को कन्फर्म कर देती है कि मेरी जो नीस ने, मेरी भतीजी ने जो कुछ बताया वो सब सही है। फ्रैम्पटन ट्राइज टू एक्वेंट हिज होस्ट विद द नेचर ऑफ हिज एलमेंट। वो एक्वेंट उसको बताने की कोशिश कर रहा है अपनी एलमेंट, अपनी डिजीज के बारे में जो नर्व के रिगार्डिंग है उसकी। दो द ओपन विंडो ही कैन सी थिंग्स दैट वर्सन हिज नर्व्स। कुछ ऐसा देखता है जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। लेट्स सी। शी ब्रोक ऑफ विद अ लिटल शडर। शडर मीन्स विद फियर, थोड़ा सा घबराते हुए वो एंटर करती हैं। इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन व्हेन द आंट बस्टल्ड इनटू द रूम। जब आंटी घर के अंदर आती हैं तो मिस्टर फ्रैम्पटन है वो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। शी ब्रोक ऑफ, जो वो छोटी लड़की थी वेरा, वो शडर्ड मीन्स थोड़ा डरती है, कब का थोड़ा सा घबरा जाती है। तभी आंटी की एंट्री होती है और द आंट बस्टर्ड इन टू द रूम विद अ वर्ल ऑफ अपोलॉजीज फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस। वो सॉरी फील करती हैं, बहुत सारे जो हैं एक्सक्यूजेस देती हैं लेट आने के लिए। एंड आई होप वेरा हैज़ बीइंग अम्यूजिंग यू, शी सेड। और आकर पूछती हैं कि वेरा ने आपका अच्छे से ध्यान रखा होगा। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, सेड फ्रैम्पटन। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि इनके पीछे जो विंडो है फ्रैम्पटन के पीछे वो खुली हुई है। आंटी कहती हैं कि उस ओपन विंडो से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग। और वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड और ब्रदर आने वाले हैं। वही बात रिपीट की जो वेरा कह रही थी अभी। एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे, और अक्सर वो इसी विंडो से आते हैं। तो देखो कैसे अनजाने में वो इस चीज़ को कन्फर्म कर रही है। दे हैव बीन आउट फॉर अ स्नाइप इन द मार्शेस टुडे। वो शिकार के लिए जो है वो गए थे यहाँ पर, तो आज वो लौटने वाले हैं। सो दे विल मेक अ फाइन मैस ओवर माई पुअर कार्पेट्स। तो वो जो हैं, अगर मैंने उनको नहीं देखा तो वैसे ही गंदे पैरों से मार्शी एरिया में गए हैं, कीचड़ वाली जगह में, तो वो मेरे कारपेट को गंदा कर देंगे। तो मैं उनको देखना चाहती हूँ जब वो आएंगे, तो ताकि मैं उनको रोक सकूँ। सो लाइक यू मैन फॉल्क एजेंट इट, क्योंकि ये लोगों की जो फीमेल्स होते हैं उनकी यही आदत होती है, ऐसा नहीं है क्या? वो उनसे कन्फर्म करवा रही हैं फ्रैम्पटन से। She rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of birds and the prospectus for ducks in winter. अब बड़े मजे के साथ जो है cheerfully वो बातें शुरू हो जाती हैं उनकी शूटिंग को लेकर, birds की कैसे कम होते जा रहे हैं और जो ducks की क्या हैं winter में, कहाँ पर उनका क्या मिलना है, सब कुछ इन चीज़ों को लेकर वो बातचीत शुरू कर देती हैं आंटी फ्रैम्पटन के साथ। To Frampton it was all Purely horrible, क्योंकि ये सारा एपिसोड हुए 3 साल हो चुके हैं और वो सब जो वेरा ने बताया था तो उसके अकॉर्डिंग तो जो आंटी हैं वो पागल हो चुकी हैं, कैसी बातें कर रही हैं, इससे वो डर रहे थे। ही मेड अ डेस्परेट बट ओनली पार्शली सक्सेसफुल एफर्ट्स टू टर्न द टॉक ऑन टू अ लेस घास्टली टॉपिक। और वो कोशिश करते हैं कि जो टॉपिक है वो चेंज हो और लेस घास्टली हो जाए, मीन्स कम डरावना रहे, ऐसा कोई टॉपिक वो शुरू कर सके। ही वॉज कॉन्शियस दैट हिज हॉस्टेस वॉज गिविंग हिम ओनली अ फ्रेगमेंट ऑफ हर अटेंशन। और वो बहुत कॉन्शियस थी, ही वॉज कॉन्शियस जो उनकी हॉस्टेस थी वो उनको बिल्कुल ओनली अ फ्रेगमेंट, हल्की सी ही उनको
वेटेज दे रही थी कि एक फ्रेंटन नाम का कोई आया इंसान, उसके बारे में जाने कौन है क्या है, कोई अटेंशन ही नहीं दे रहे थे. एंड हर आईज वर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेइंग पास्ट हिम टू द ओपन विंडो. और बार बार मिस आंटी जो है उनकी जो नज़रें थी वो बार बार बाहर खिड़की से बाहर जा रही थी. एंड द लॉन बियॉन्ड, और पीछे लॉन की तरफ वो देख रही थी बार बार, अपने हस्बैंड और ब्रदर को देख रही थी कि वो कब आएंगे, उनका वेट कर रही थी. और इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था फ्रेंटन को लेकर. इट वॉज सर्टेनली एन अनफॉर्चुनेट को इंसिडेंस दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट ऑन दिस ट्रेजिक एनिवर्सरी. और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट थिंग थी, और एक कोइंसिडेंस था, बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस था कि फ्रेंटन की स्पेल्टन के घर विजिट उसी दिन हुई जिस दिन वो घटना घटी थी. आज उस दिन की एनिवर्सरी थी, पूरे 3 साल हो रहे थे उस दिन. द डॉक्टर्स एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट एंड एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट. अब जो फ्रेंटन है वो अपनी बीमारी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, कह रहे हैं कि डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट रेस्ट के बारे में कहा, रेस्ट के लिए बोला है, और मुझे मेंटली एक्साइटमेंट से दूर रहने के लिए कहा है, अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, और मुझे अवॉइड करनी है कोई भी वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, कोई भी लड़ाई झगड़ा इस तरह से. वो कह रहा है मुझे इन चीज़ों से दूर रहना है. एंड अनाउंस लेव फ्रेंटन हु लेबर्ड अंडर द टॉलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूजन. वो जो पूरी तरह से एक डिल्यूजन, एक भ्रम सा जो फैला हुआ था उसके अकॉर्डिंग, कि ऐसा माना जाता है कि जो टोटल स्ट्रेंजर्स जो होते हैं एंड चांस एक्विटेंसेस आर हंग्री फॉर द लीस्ट डिटेल ऑफ वन सेलमेंट, कि अनजान लोगों को दूसरे लोगों के बारे में, उनकी बीमारियों के एलिमेंट के बारे में जानने की, एक एक चीज़ के बारे में जानने में काफ़ी इंटरेस्ट होता है. तो उसको लगता है कि स्पेल्टन को भी काफ़ी इंटरेस्ट होगा उसकी इस बात में, उसकी एलिमेंट के बारे में जानने में. एंड इनफर्मिटीज़ एलिमेंट्स एंड इनफर्मिटीज़ होता है रिलेटिंग टू हेल्थ, जो भी उसकी बीमारी से रिलेटेड बातें थी वो बता रहे हैं. एंड हरी फॉर लीस्ट डिटेल ऑफ वंस एलिमेंट एंड इनफर्मिटीज़ देयर कॉज एंड क्योर, क्या बीमारी है, क्या उनके कॉज हैं, कारण है क्या, कैसे उनको ठीक किया जा सकता है, सब कुछ जानने में. ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कॉन्टिन्यूड. और आगे कहते हैं कि डाइट को लेकर थोड़ा बहुत एग्रीमेंट हो सकता है, तो मिसेस पेल्टन कहती है नो 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 इन अ वॉइस विच ओनली रिप्लेस्ड अ यॉन एट द लास्ट मोमेंट. और यॉन करते हुए, उबासी लेते हुए वो ख़त्म करती है कि नो. देन शी सडनली ब्राइटेंड इनटू अलर्ट अटेंशन. फिर एकदम से वो शॉक हो जाती हैं, बट नॉट टू व्हाट फ्रेंटन वाज सेइंग, लेकिन फ्रेंटन की बात पर रिएक्ट करके वो शॉक नहीं हुई हैं. हेयर दे आर एट लास्ट. और एकदम से वो चिल्लाती हैं कि देखो वो आ गए मेरे हस्बैंड और वो ब्रदर्स. यू कैन सी इन दिस पिक, जस्ट इन टाइम फॉर टी एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आईज. देखो कैसे आंखों तक वो जो है ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरी तरह से सने हुए हैं मिट्टी में. फ्रेंटन शिवर्ड स्लाइटली, वो थोड़े से घबराते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें वो भूत आ रहे हैं. टर्न टुवार्ड्स द नीज, वो नीज की तरफ देखते हैं कि क्या मुझे जो दिख रहा है क्या तुझे भी दिख रहा है. विद अ लुक इंटेंडेड टू कन्वे सिंपैथेटिक कॉम्प्रिहेंशन, सिंपैथेटिक के तौर पर कि भाई ये सब क्या हो रहा है, ये आंटी कैसी बात कर रही हैं और कौन आ रहा है, क्या आ रहा है. द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट. और जब उसने देखा कि ये लड़की भी बाहर, वेरा भी बाहर ही देख रही है, तो मिस्टर फ्रेंटन है वो भी टर्न करते हैं, वो भी विंडो की तरफ देखते हैं. व्हेन ही सॉ दैट द चाइल्ड वाज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विद अ डेज्ड हॉरर, वो भी बहुत घबराई हुई है हॉरर के साथ बाहर देख रही है. इन अ चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर, बड़ा अजीब सा डर था उनकी आंखों में. और ऐसा है डर के साथ जो है फ्रेंटन स्विंग राउंड इन हिज सीट, वो एकदम से टर्न करते हैं पीछे देखने के लिए कि क्या क्या कौन आ गया है, क्या हो रहा है पीछे. लुक इन द सेम डायरेक्शन. इन द डीपनिंग ट्विलाइट थ्री फिगर्स वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टुवार्ड्स द विंडो. तीन फिगर जो हैं हल्के हल्के ट्विलाइट उस कम रोशनी में दिख रहे थे, वो उस डीपनिंग ट्विलाइट में कम रोशनी में वो तीन फिगर दिखे उनको. दे ऑल कैरीड गन्स अंडर द आर्म्स, सबने गन ली हुई थी. वन ऑफ देम वॉज
एडिशनली बर्डन विद अ वाइट कोट हैंग ओवर हिज शोल्डर्स. एक ने अपने कंधे के ऊपर जो है एक वाइट कलर का कोट डाला हुआ था. अ टायर्ड ब्राउन स्पैनियल कैप्ड क्लोज एट देयर नी हील्स. और वो डॉग उनके पैरों के पास पास उनके पीछे पीछे जो है उनको फॉलो करता हुआ वो भी चल रहा था साथ साथ. नॉइसलेसली दे नियर द हाउस. धीरे धीरे बिना आवाज़ किए वो घर के और पास आते जा रहे थे. एंड देन अ हॉर्स यंग वॉइस, एक रफ वॉइस के साथ आवाज़ आती है चैंटिंग आउट ऑफ द डस्ट. उस डस्ट में उन धुंधली सी उस रोशनी के अंदर जो है बोलता है आई से ब्रेटी व्हाट डू यू बाउंड. वही सॉन्ग वो जो है वो गाता हुआ सुनाई दिया उसको. वही आवाज़ आ रही थी जिससे वो पूरी तरह से घबरा जाता है. फ्रेंटन ग्रैब्ड वाइडली एट हिज स्टिक. फ्रेंटन डर जाता है कि ये तो भूत आ गए हैं और वो फटाफट अपने स्टिक और अपने हैट उठाता है वहाँ से भागने के लिए. द हॉल डोर, हॉल डोर से होता हुआ ग्रेवल ड्राइव वो पथरीला रास्ता उससे होते हुए द फ्रंट गेट वो भाग जाता है वहाँ से. व डिमली नोटेड स्टेजेस इन हिज हेड लॉन्ग रिट्रीट. बिल्कुल सीधा स्टेज से उतरता हुआ वो निकल जाता है. मीन्स बाहर रोड की तरफ निकल जाता है. और बाहर जो रोड के ऊपर जो है अ साइक्लिस्ट कमिंग अलोंग द रोड हैड टू रन इन टू द हैज. हैज होता है जो बुशेज होती हैं साइड में, उन झाड़ियों में गिर जाता है क्योंकि उसको लगा कि ये सामने से जो आदमी फ्रेंटन भागता हुआ आ रहा था कि वो दोनों जो हैं वो कोलाइड ना कर जाएं. कोलिजन से बचने के लिए, उस टकराव से बचने के लिए वो साइक्लिस्ट बुशेज की तरफ गिर जाता है. हे वी आर माई डियर, सेड द बियरर ऑफ द फाइट मैकिंटोश कमिंग इन थ्रू द विंडो. और फिर आकर जो है वो डिक्लेयर करता है एक बियरर आदमी, एक आदमी जिसने मैकिंटोश एक वाइट कलर का जो है कोट वगैरह जो डाला हुआ था. और आगे कहता है हम आ गए हैं. और वो पूछते हैं कि वो आदमी कौन था जो हमारे आने से पहले यूं भागा है, कौन था वो. हु वॉज दैट हु बोल्टेड आउट रेन आउट एज वी केम अप. और अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन मिस्टर नटल. मिस्टर नटल मीन्स कोई स्ट्रेंज, कोई मिस्टर नटल नाम का आदमी था क्योंकि मिसेस फाल्टन को भी उस नाम के अलावा कुछ नहीं पता था. ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस, बस अपनी बीमारी के बारे में ही बात कर रहा था. एंड डैश्ड ऑफ और भाग गया वहाँ से विदाउट वर्ड ऑफ गुड बाय एंड अपोलॉजी, बिना क्षमा मांगे कि मैं जा रहा हूँ बीच में ही ऐसे, और बिना गुड बाय बोले ही निकल गया यहाँ से, भाग गया. व्हेन यू अराइव, जब तुम आए, वन वुड थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट, और ऐसा लगा जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो. ये मिसेस फाल्टन जो हैं अपने हस्बैंड और ब्रदर उनको बता रही है. और आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पैनियल. अब वेरा जो है वो नीस वो बड़े प्यार से शांति से एक्सप्लेन करती है कि मुझे लगा, वो कह रही है कि मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि वो उसको देखकर भागा है. ही टोल्ड मी ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स, क्योंकि उन्होंने मुझे जब हमारे बीच में बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें कुत्तों से डर लगता है. ही वॉज वंस हॉन्टेड इन टू अ सिमेट्री, कि वो एक कब्र के अंदर जो है वो उन्हें एक रात गुजारनी पड़ी थी. समवेयर ऑन द बैंक्स ऑफ गेंजेस, गंगा नदी के किनारे जो है उनको एक कब्र के अंदर जो है रुकना पड़ा था. बाय अ पैक ऑफ डॉग, एक झुंड ने उन्हें घेर लिया था कुत्तों के. एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन अ न्यूली डग ग्रीव, एक न्यूली ताज़ा ताज़ा खुदी हुई एक कब्र के अंदर उन्हें रुकना पड़ा था. विद द क्रिएचर स्नर्लिंग, जो क्रिएचर वो जो डॉग्स थे वो स्नर्ल कर रहे थे, गुर्रा रहे थे, ग्रीनिंग वो जो है वो जो एक तरह से ग्रीनिंग गुर्राहट को उसी की चीज़ को कह रहे हैं, और ग्रीन कर रहे थे उसके ऊपर और दांत निकाल कर जो है वो चबा रहे थे, और फॉर्मिंग वो झाग निकल रहे थे उनके मुंह से जस्ट अबव हिम, बिल्कुल उनके सिर के ऊपर. एंड इनफ टू मेक एनीवन लो लूज देयर नर्व, कोई भी इस चीज़ को देखकर जो है घबरा जाएगा. ऐसा एपिसोड अगर किसी के साथ हुआ हो तो उसके बाद तो कोई भी कुत्तों को देखकर डर सकता है. रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी, किस तरह से एक छोटे से नोटिस पे किस तरह से उसने क्या एक सीन क्रिएट किया, ये वेरा की एक स्पेशलिटी थी. एंड दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.